गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करेंगे एक कैब ड्राइवर, एक नया न्यू ड्राइवर हो चाहे पुराना ड्राइवर हो चाहे ओल्ड ड्राइवर हो, एक दिन का पर डे का कितना अर्निंग कर सकता है और मंथली का और वीकली का अर्निंग कितना तक कर सकता है। क्योंकि अभी तक मैं अपनी अर्निंग के या फिर किसी कोई भी अर्निंग के वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ और इस रिकॉर्डिंग काफ़ी सारे कॉमेंट आते हैं कि एक दिन में कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, महीने के कितने कमा सकते हैं, गाड़ी का EMI निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, उसको निकालने के बाद हमारे पास जो पैसे कुछ हैं वो बचेंगे क्या नहीं बचेंगे, ओला उबर में काम कैसा चल रहा है, ओला उबर में काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं क्या नहीं कमा सकते हैं, सारे सवालों के जवाब आज के ब्लॉग के अंदर मिलने वाले हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आज के आपके जो कन्फ्यूजन है ना, वो जो कमेंट है, उनका सभी का रिप्लाई देने वाला हूँ। खास करके नए बंदे जो भी जितने भी होते हैं, फ्रेशर होते हैं या इस फ्यूचर प्लान में, इस प्लानिंग में, इस बिजनेस के अंदर, इस कैब बिजनेस के अंदर आना चाह रहे हैं और उनके मन में, मैं मानूंगा इस चीज़ को, मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि कोई भी फ्रेशर अगर इस बिज़नेस में आ रहा है तो उसके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, माइंड में कुछ ना कुछ चलेगा कि गाड़ी का EMI निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे वो ब्लॉग को देखते हैं, वीडियो को रीच करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वहीं पर वो अपसेट हो जाते हैं कि काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, गाड़ी का EMI निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, उसमें निकलने के लिए गाड़ी का जो EMI है काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना तक हमारी मंथली की अर्निंग होगी, पैसे कितने कमाए जा सकते हैं, पर डे की अर्निंग कितनी होगी। ये सारे सवाल अगर आपके हैं तो इस वीडियो को पूरा रीच कर लेना, देख लेना और ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आज का जो सवाल है ना, आपका मन का, आपके माइंड का, तो मैं आपको सबसे पहली एक चीज़ आपको कह दूं कि पैसे कमाने के लिए आप जो मन में सोचते हैं कि हमें सिर्फ पैसे ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे ही काम करेंगे तो ही कमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ये माइंड में निकाल दो, पैसा कमाने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करके आपके पास गाड़ी अच्छी खासी है तो आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए आपको तजुर्बा, एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर तजुर्बा है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और आपके पास नॉलेज है, तीनों चीज़ें मैंने ले रहा हूँ क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें होती है, तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आप जहाँ ठोकर मारोगे ना वहाँ से पानी निकलेगा, समझ रहे मेरी बात। रही काम करने की, तो एक हफ्ते में, एक दिन में काम करने वाले और जो काम कर रहे हैं वो पर डे की कितनी अर्निंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है लोगों को एक हफ्ते में 35 से 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, 25 हज़ार, 20 हज़ार वन वीकली की अर्निंग है ओला के अंदर, उबर के अंदर 20 हज़ार से 35 हज़ार, 40 हज़ार एक हफ्ते की। लोग 20 हज़ार से 35 हज़ार एक महीने में भी कमाते हैं और लोग एक हफ्ते से अर्निंग भी करते हैं, एक हफ्ते में भी इतनी अर्निंग करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, वो सारा कुछ आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कह दूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको पसंद नहीं होता है, ना ही किसी को ओला पसंद होता है तो किसी को उबर पसंद नहीं होता है, तो किसी को उबर पसंद होता है तो किसी को ओला पसंद नहीं होता है। ये चीज़ क्यों होती है, अब मैं आपको बता दूँ, कोई कंपनी हर बंदे की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसकी चॉइस होती है ड्राइवर की, तो वो तो पूरी करेगी। अगर मैं हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी चॉइस अलग है काम करने की, तो एक पूरी कंपनी मेरे लिए सोचेगी नहीं। इसके हिसाब से आप ये माइंड में मत डालो कि कौन सा बंदा क्या कह रहा है, उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी पसंद है,
वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो उसकी बंदे की चॉइस होती है। उससे काम हुआ क्या नहीं हुआ वो भी हो सकता है। जिसी तरीके से आपसे भी हुआ नहीं हुआ, आपने गाड़ी परचेज कर ली और आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आए, तो आप भी कल को यही कहेंगे कि काम बेकार है, कि मैं नहीं कर पाया, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो मैं पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। ऐसे भी बहुत सारे ड्राइवर हैं जो 1 साल काम किए, 6 महीने काम किए, उसके बाद नहीं हुआ तो गाड़ी को बेच दिए। तो इस टाइप से अगर लोग आपको मिलेंगे और आपको कहेंगे तो फिर आपको अपना फ्यूचर प्लान देखना है। हर बंदे की किस्मत और लक अलग होता है। अगर हर बंदे की किस्मत एक जैसी होगी ना, तो मैं पिछले वाले वीडियो में बता था, अगर सब्जी भिंडी इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को भिंडी पसंद आने लगेगी, तो भिंडी की जो प्राइस है ना वो कितनी होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी। ठीक उसी तरीके से दुनिया के अंदर ये प्रकृति का रूल्स होता है, कुछ चीज़ें किसी को अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें किसी को ख़राब लगती हैं। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अर्निंग की बात करें तो मैंने आपको बता दी, आप चाहो तो महीने के अगर हफ्ते की बात करूं, पर डे की बात करूं, तो 1500 से 2000 रुपए पर डे आप निकाल लेंगे सीएनजी निकाल के, अगर आपकी सिटी में काम अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा, काम आएगा तो आप पैसा कमाओगे, काम नहीं आएगा तो आपको कम काम में भी रेंज करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे और कहूँ, कभी खुशी कभी गम, अगर आप ये वर्ड समझ जाएँ तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। पहली चीज़ मैं बता दूँ, काफ़ी सारे भाइयों के मन में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि गाड़ी का ईएमआई निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। तो आप एक चीज़ ठान लो भाई, आपकी सिटी के अंदर बहुत सारी कैबें चल रही हैं, वो कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, क्या उनकी ईएमआई नहीं निकल रही है, आपकी नहीं निकलेगी। उनकी निकल रही है, वो चल रही है, तो आपकी भी निकलेगी। रहा सवाल आपकी किस्मत और लक का, तो वो आपको ऊपर अपने ऊपर डिपेंड है। अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, काम करने का तजुर्बा है, सारा कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अपना काम कर सकते हैं। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा खुद का एक सब्सक्राइबर है और मैंने उसको गाइड किया है, मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर ही बताया ना, परेशानियां झेली, मुसीबत झेली, आज अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, खुद की गाड़ी परचेस करके, वो भी गाड़ी लिया था आईटी का, बुक किया था, लोन पास नहीं हुआ, इसके लिए उसने सेकेंड हैंड यूज़ कार को लिया और उससे अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। जिस दिन टाइम मिलेगा, जिस दिन मुझे मिलेगा, आपको रूबरू दिखाऊंगा, विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो एक इंसान की वो होती है, कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो आपको अपने मन के अंदर सोचना चाहिए। रही बात पैसे कमाने की, तो पैसा कमाने के लिए तजुर्बा होना चाहिए और आप पैसे कमा सकते हैं। आपके पास तजुर्बा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के कहने पे या दूसरों के बलगलाने पे या दूसरों के भ्रम वीडियो देखने पे आपका माइंड अपसेट होता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। रही बात काम करने की, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और आज भी कैब चला रहा हूँ, अच्छी खासी अर्निंग होती है। हाँ, करोड़पति तो नहीं बनोगे लेकिन ज़िंदगी अच्छे से चलेगी और इस बिजनेस के अंदर कोई लॉस नहीं है अगर आपने काम कर लिया। नहीं कर पाए तो मैं दोषी नहीं हूँ इस चीज़ का, जो कर रहे हैं अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, जो बंदा मतलब MP के बॉर्डर का था, ओला से 1,00,000 रुपये तक महीने के कमा रहे हैं, अगर देखी नहीं तो वो देख लेना। तो जो बंदे हैं वो कमा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। लोग वीकली में 30 से 35 हज़ार कमाते हैं, रोज़ के 1500-2000-2500 रुपये कमाते हैं। मैं बात कर लूँ, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ऐसी मतलब काम कर रहा हूँ कुछ ऐसी जगह जहाँ से ब्लॉग नहीं बना सकता, तो अभी जस्ट छूट के आया हूँ, कुछ भी गाड़ी साड़ी चलती नहीं है, 50 रुपये का डीजल चलता है खाली, मेरे घर से आने का, कंपनी में पड़े रहने का, बस कुछ ही नहीं है। अंदर 25-50 किलोमीटर गाड़ी चलती है, उसके बाद पर डे की जो रेंज है ना, वो पर डे की जो प्रॉफिट है 2200 रुपये, आप 200 रुपये का डीजल निकाल दो, 2000 रुपये ये प्रॉफिट है। पर्सनल काम करने का जो मज़ा है ना, वो ओला उबर से हटके है। पर्सनल काम में, पर्सनल बिजनेस में, पर्सनल बुकिंग के अंदर जितना पैसा मिलेगा उतने दिन आपकी खोपड़ी खुलेगी। ओला उबर का जो बिजनेस है वो एक अलग टाइप का है और जो पर्सनल बुकिंग का जो बिजनेस है वो एक अलग टाइप का है। मेरी गाड़ी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ अभी, पिछले कल किया मैंने, आज किया और मैंने पिछले वाली वीडियो में ही बोला था, अगर टाइम मिलेगा तो ब्लॉग आएंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो ब्लॉग नहीं आएगा। तो ये चीज़ बता दूँ,
अभी मैं 6:15 बजे छूटा, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अब यहाँ से सीधा जाऊँगा घर। सुबह आया था 9:30 बजे और ड्यूटी हो गई पूरी। पर्सनल काम में, फिक्स काम में इतना मज़ा होता है, इसके लिए पहले फोकस। पर्सनल काम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लोगे जिस दिन आपकी अकल काम करने लगेगी, आपका माइंड काम करने लगेगा। और भ्रमित वाले वीडियो आप देखना जिस दिन बंद कर दोगे। किसी एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे क्रिएटर को फॉलो कर लो और उसके वीडियो देखो और समझो चीज़ों को, जो भी आपको अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है मेरे वीडियो आपको अच्छे लगें तभी मुझे आप फॉलो करो। किसी को भी, जो भी आपको सच्चाई जहाँ नज़र आती है, जो भी बंदा आपको सच दिखाता हो, विद प्रूफ के साथ सुनाता हो, सारी चीज़ें हकीकत बताता हो, उसको आप फॉलो करें। और उसके वीडियो देख के आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। मेरी सिटी में आप नहीं रहे हो, मेरी सिटी के आसपास से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे मिलना चाहते हैं और मैं उनसे मिलता भी हूँ। उनके कमेंट के रिप्लाई, उनके फ़ोन के रिप्लाई इंडिया के किसी भी कोने से आते हों सभी को देता हूँ। अच्छा सजेशन देते हैं, मुझे क्यों मांगते हैं, मुझसे क्यों फ़ोन नंबर मांगते हैं, काम करने के लिए पूछते क्यों हैं, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। मेरे चैनल को लोग ट्रस्ट करते हैं इसके लिए मुझसे मिलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन मतलब के लिए किसी को यूज मत करना। मैं आपको एक दिन किसी दिन वीडियो बताऊंगा, अच्छा क्रिएटर अगर वो मायूस हो जाता है या फिर डीमोटिवेशन हो जाता है तो वो क्रिएटर अपना चैनल बंद करके गायब हो जाता है। उसको नहीं लगता है, वो समझ जाता है कि खाली मतलब के लोग यूज करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। और जो आप वीडियो देखते हो, मैं आज इसकी वीडियो के अंदर ले लेता हूँ। आप सब जानते होंगे, अगर वीडियो आपने देखे होंगे, मेरे सचिन भाई मुंबई से हैं, उनके वीडियो भी 1 महीने से कम आ रहे हैं। तो जब वीडियो आप देखोगे नहीं, और एक नाम और ले लेता हूँ, वैसे नाम तो मुझे नहीं लेना चाहिए लेकिन क्रिएटर हैं, मैं भी एक क्रिएटर हूँ। तो एक विकी के ब्लॉग दिल्ली से हैं। पहले वो क्या ब्लॉग बनाते थे, ओला उबर की रिकॉर्डिंग, अच्छी खासी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे आपके साथ। आपने सपोर्ट नहीं किया, कम किया या कुछ इशू हुआ, तो उनका जो चैनल है, उनका जो कंटेंट है, उनका जो अभी जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनका चैनल है, उन्होंने अपना डाइवर्ट कर दिया दूसरी दिशा में। तो लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, जैसे आप यूज करते हैं उस तरीके से जो क्रिएटर होते हैं वो भी समझ जाते हैं, वो अपनी लाइन को चेंज कर लेते हैं। तो आप एक चाहते हैं कि अच्छे से जो क्रिएटर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके वीडियो देख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। तजुर्बा और एक्सपीरियंस अगर आपने सीख लिया तो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। इस चीज़ का एहसान रखो और इसको, एक चीज़ को सपोर्ट करो। अगर आप एक एहसान नहीं रख सकते तो आपको उसका नंबर मांगना। और एक चीज़ और कह दूँ, कमेंट के अंदर कोई भी भाई नंबर मत मांगा करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ आ जाना, सारे कमेंट के आपके क्वेश्चन के रिप्लाई मिल जाएंगे। लेकिन मतलब के लिए यूज मत करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ेगा उसी दिन मैं आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। आप ये मत कहना कि सब्सक्राइबर इतने हो गए कि उतने हो गए, जितने हो गए, जो जा सकता है वो जा सकता है, जिसको अच्छा लगे वो रुक सकता है। सिंपल सी चीज़ है, सोच लो। कमाने की बात मैंने आपको बता दी बिल्कुल ही। तो कन्फ्यूज़न, और एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि आसिफ भाई बारिश के अंदर, बारिश की वजह से काम कम होता है क्या, ज़्यादा होता है? तो काम सिर्फ मार्च अप्रैल मई, ये 2-3 महीने का झमेला होता है, उसके बाद काम कुछ कम नहीं होता है। रहा ज़िंदगी का, कभी कम होगा, कभी खुशी होगी, कभी गम, वो चीज़ आप सोच के अगर इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है मेरी तरफ से। बाकी आपकी मर्जी अपनी है। और एक चीज़ बता दूँ, सेकेंड हैंड गाड़ी के जो मैंने वीडियो बनाया था कल वाले, मेरे वीडियो मैंने बता दिया था। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप वीडियो नहीं देखने की वजह होती है, इसके लिए आप कमेंट कर दो। कल ही बताया, आज की वीडियो में ही कमेंट आया है, 2018 की वेगनार गाड़ी 4 लाख इतने में लेने की है क्या, नहीं लेने की है? तो दोस्तों मैं बता दूँ, मैं कोई सेकेंड हैंड गाड़ियों का डीलर नहीं हूँ, इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं रखता हूँ पुरानी गाड़ियों के अंदर। तो गाड़ी मैंने बता दिया आपको, कॉपी की सिटी के हिसाब से आपको अच्छी लगती है, अपने मैकेनिक को दिखा करके ले सकते हैं। 4 लाख बता दे तो गाड़ी कैसी है, कितनी चली है, कहाँ प्लेटफॉर्म में चली है, वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम होता है, इसके लिए मैं इस चीज़ की जवाबदारी नहीं लेता हूँ। आपको ऐसा लगेगा ऐसा आसिफ भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल चीज़ बता दूँ, गाड़ी बता देते हो आप, पैसे बता देते हो, गाड़ी कहाँ चली है, किस प्लेटफॉर्म पर चली है, कितना चली है,
वैसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं होती आपके पास, और आप उस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाओगे, आपको समझ भी नहीं पड़ेगा सेकेंड हैंड गाड़ी के बारे में। तो आपका कोई पहचान वाला हो, आपका कोई मैकेनिक हो, उसको आप दिखाएंगे, रियली आपको समझ मिल जाएगी जो भी गाड़ी है। कोई भी गाड़ी का रिपीटर जो है ना रीडिंग कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, सब कुछ होता है। क्या नहीं होता है वो सब कुछ होता है जिस दिन आप इस लाइन में आ जाओगे। सब अर्निंग की बात मैंने बता दी आपको कितनी होती है, फिर बोल रहा हूँ दोबारा से, काम करना है, पैसे कमाना है, मैक्सिमम 1,000-1,500-2,000 रुपये प्रॉफिट पर डे का कहीं नहीं गया आपको इस बिजनेस के अंदर। काम नहीं है, ड्रॉप हो गया है, वो एक चीज़ अलग हो जाती है, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। कभी खुशी कभी गम, आप महीने के 30,000 भी कमा सकते हैं, महीने के 20,000 भी कमा सकते हैं, 40 भी कमा सकते हैं, 50 भी, और हफ्ते के भी 30,000-35,000 भी कमा सकते हैं, 25,000 भी कमा सकते हैं। ये चीज़ होता है आपके अपने ऊपर डिपेंड, कितना काम करना है, कितने घंटे, और घंटे वाला सिस्टम मेरे पास नहीं है। आपको अपना एक टारगेट रखना है कि मुझे 2,000 रुपये पर डे के बचाने हैं तभी जाऊँगा। ये चीज़ सोच लिए उस दिन 2,000 रुपये पर डे की हो गई, महीने के 60,000 रुपये की फुल इनकम अर्निंग CNG निकाल के। कर सकते हो तो करना, नहीं कर सकते हो तो मत करना। क्वेश्चन करने से पहले वीडियो पूरा देखा करो, चाहे 10 मिनट हो चाहे 12 मिनट का हो, वीडियो को रीच करना सीखो, समझना सीखो, तो ही आपको जो क्रिएटर होते हैं आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। बाकी आप उसी वीडियो पे उसी के बारे में पूछोगे तो मुझे लगता है आपके कमेंट के कोई भी रिप्लाई देना नहीं पसंद करेगा। तो इस चीज़ को जान लो। मैं ये अब क्यों बोल रहा हूँ, मैं सोचा करता था कुछ और, बट मेरे पास सामने जब चीज़ें आई तब मुझे समझ पड़ी इस चीज़ के बारे में। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।